वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हमें एक पैन के अंदर पनीर लेना है। पनीर को हमें अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेना है, रोस्ट कर लेना है अच्छे से एकदम। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको अगर हम इस तरीके से सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। इसके बाद में आज हमारे पास जो पैकेट है वो है रसोई मैजिक मटर पनीर का। इसके पीछे जो है इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ये पैकेट मुझे 48 रुपीस का मिल चुका है। तो चलिए अब इसको खोल लेते हैं। इसके बाद में हमें एक बर्तन के अंदर, एक कटोरी के अंदर इस सारे मसाले को डाल देना है। एंड उसके बाद में हमें लेना है हाफ कप पानी, या उतना पानी आप लीजिए जिससे आप इसको अच्छे से मिक्स करके इसका अच्छा वाला पेस्ट तैयार कर लें। इसके बाद में हमें वापस से थोड़ा सा ऑयल लेना है। इसके बाद में टोमेटो प्यूरी, 3 टमाटर या 150 ग्राम टमाटर को अच्छे से बॉईल कर लेना है। फिर उसको मिक्सी में पीस लेना है और इसकी प्यूरी रेडी कर लेनी है। आप चाहें तो टमाटर को छोटे छोटे पीस करके भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर जैसे ही तेल छोड़ने लगे तब तक हमें इसको पकाना है। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे मटर। मटर आप इसमें 100 ग्राम या 1 कटोरी ले सकते हैं। फिर हम मटर को भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मटर पहले से थोड़े से बॉईल हो तो और भी ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। इसके बाद में जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था वो हम इसमें ऐड करना है। ये थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद में ये भी जब थोड़ा थोड़ा सा तेल छोड़ने लगे तब तक हमें इसको पकाना है। इसके बाद में हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारा पनीर। अब हम पनीर ऐड कर लेने के बाद में इसको करना है मिक्स। इसके बाद में सब आपके ऊपर है कि आपको कितनी इसकी ग्रेवी रखनी है। अगर आपको ग्रेवी कम लग रही है तो आप हल्का सा पानी और ऐड कर सकते हैं, वरना रहने दीजिए। फिर धनिया डाल के इसको सर्व करना है रोटी, नान या चावल के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।